नमस्कार, राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें आप राजस्थान की देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शुरुआत राजस्थान में विधानसभा चुनाव से करते हैं, जहां पर पूरी तरह से अभी फिलहाल माहौल बन चुका है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से लगातार बयानबाजी की जा रही है, और इसी बीच सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। सीएम गहलोत बोले हैं कि कांग्रेस पार्टी ने जो 7 गारंटियां दी हैं, उस पर पार्टी को जीत मिलेगी, और बीजेपी द्वारा उनके बेटे पर लगाए जा रहे आरोपों पर गहलोत ने ये भी आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि भ्रष्टाचार से जुड़ी एक चीज साबित करके दिखाएं। राजस्थान सीएम ने यह भी कहा कि गृह मंत्री अमित शाह हवा में बात कर रहे हैं। सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी हताश है, इसीलिए सीबीआई और ईडी को भेज रही है। नहीं, देखिए झगड़े हो गए तो बीजेपी पास में, अगर न्यूज बनती आप लोगों की, वैसे पत्रकार आप लोगों, मैं पत्रकार तो नहीं हूँ पर पत्रकार मित्र हूँ, मैं मीडिया फ्रेंडली माना जाता हूँ, मैं बचपन से ही, थोड़ा बहुत तो मुझे भी ज्ञान है, थोड़ा बहुत मुझे भी ज्ञान है, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये न्यूज आपकी बनती है कि बीजेपी में कोई झगड़े होते नहीं हैं, इस बार जो है मारपीट भी, आगजनी भी, मेन ऑफिस में ताले लगे हुए हैं, जाना पड़ रहा लोगों को, ये पहली बार हो रहा है, ये आपकी नजर बनती है, मैं आपको मीडिया फ्रेंडली उसे बता रहा हूँ आपको। तो घोषणा पत्र में और भी कई तरीके की घोषणाएं गहलोत ने की हैं, साथ ही साथ ये भी आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है कि जिस तरह से राजस्थान चुनाव पास आने वाले हैं, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं बीजेपी काफी हताश है, काफी निराश है, और उसे अपनी हार का डर सता रहा है, इसीलिए सीबीआई और ईडी को लगातार भेज रही है। परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई का एक्शन हो रहा है। अगर किसी भी तरीके के सबूत भारतीय जनता पार्टी के पास हैं तो वो हमें दिखाएं, लेकिन भ्रष्टाचार से जुड़ी एक भी चीज साबित करके नहीं दिखा पाई है भारतीय जनता पार्टी फिलहाल। और इस तरह के गंभीर आरोप अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लगा रहे हैं, और कह रहे हैं कि राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, और गहलोत का सीधा सीधा केंद्र सरकार पर इस बात को लेकर हमला है कि जो हमने गारंटियां दी हैं, उस पर पार्टी को जीत हासिल होगी, और बीजेपी इस बात से कहीं ना कहीं हैरान परेशान है, हताश है, नाराज है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं वो सीबीआई और ईडी का इस्तेमाल राजस्थान में चुनावों में जीत के लिए कर रही है। बीजेपी द्वारा ही उनके बेटे पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त है। इधर अपने आमेर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष एवं बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया ने जनसंपर्क करके माताओं, बहनों, किसानों और युवाओं से संवाद करके राष्ट्रवाद के विचार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने के लिए भाजपा की प्रचंड जीत के लिए निवेदन कर आह्वान किया है। डॉक्टर पुनिया ने आमेर भाजपा के मानपुरा मंडल में जनसंपर्क किया, जहां मातृशक्ति ने उन्हें आशीर्वाद दिया। डॉक्टर पुनिया ने कहा कि मोदी सरकार के विकास मॉडल ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ मजबूती से आगे बढ़ाया है। मोदी सरकार से प्रेरणा लेकर उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए आमेर विकास का मॉडल बनकर उभरा है, और जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, सड़कें इत्यादि विकास कार्यों में पिछले 10 वर्षों में 1500 करोड़ से अधिक का बजट खर्च किया गया। साथ ही अपने विधायक कोष का 100% खर्च करके आमेर का नाम राजस्थान से लेकर पूरे भारतवर्ष में रोशन हुआ है, और जिस पर आमेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक नागरिक को गर्व है। उन्होंने गुणवत्ता में क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्र सरकार ने कोरोना काल में आमजन की वैक्सीनेशन से लेकर खाद्यान्न तक की मदद पहुंचाई है। जनधन, उज्ज्वला, खेलों को बढ़ावा, खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं और ट्रेनिंग, पीएम किसान सम्मान निधि, आयुष्मान किसान क्रेडिट कार्ड, फसलों के मूल्यों में
लगातार बढ़ोतरी, श्री अन्न को बढ़ावा और इत्यादि तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं से मोदी सरकार देश के सभी वर्गों की उन्नति के लिए स्वाभिमान के साथ कार्य कर रही है। 2023 में राजस्थान में भाजपा की सरकार बनने पर आमेर के विकास मॉडल को और अधिक मजबूती देंगे और राजस्थान को विकसित एवं शांतिप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। साथ ही तमाम नवाचारों के जरिए आमेर के युवाओं के लिए रोजगार और खेलों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देते हुए आमेर हेरिटेज सिटी में आधुनिक जरूरतों के मुताबिक आमजन व पर्यटकों के लिए विशेष तौर पर सुविधाओं का विस्तार करेंगे। इधर बहरोड से बीजेपी उम्मीदवार जसवंत यादव की दादागिरी की चर्चा चुनाव से पहले अब सामने आने लग गई है। डॉक्टर जसवंत यादव ने 6 नवंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के सामने अहंकार में आकर देश के चौथे स्तंभ मीडिया को अपमानित किया, पत्रकारों को फर्जी ड्रामेबाज कहा और जिससे पत्रकार संगठन रोष में काफी है। जबकि बीजेपी हिंदुत्व का मुद्दा लेकर हर जगह चुनाव लड़ती है, लेकिन हिंदुत्व की बात करने वाली बीजेपी पार्टी की सनातन धर्म को बचाए रखने की बात करती है, जबकि सनातन धर्म के महंत को बीजेपी उम्मीदवार के द्वारा धमकाने का मामला सामने आ रहा है। माढ़न के संत अनिल पुरोहित को फोन पर धमकी देने का ये मामला है। मामले को लेकर करीब 3 से 4 दिन लगातार सिद्ध सेवा धाम में सभा चल रही है। सभा के दौरान हजारों की संख्या में महंत के समर्थन में लोग एकत्रित हो रहे हैं। लोगों में उम्मीदवार के खिलाफ काफी रोष अब पैदा हो चुका है। तो बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ लोग काफी लामबद्ध हो चुके हैं और लगातार इस दादागिरी पर दिखा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार जसवंत यादव की दादागिरी को लेकर अब कई तरीके से सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब महंत को धमकाया और डराया जा रहा है। इधर थानागाजी विधानसभा में महंत प्रकाश दास ने निर्दलीय ताल ठोकते हुए समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल कर दिया। महंत प्रकाश दास महाराज काफी समय से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे थे। थानागाजी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी पर बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से समर्थकों से वार्ता करके निर्दलीय ताल ठोकी। उनके टिकट कटने और जनता के प्रति सेवा भाव से उन्हें निर्दलीय लड़ने का मन बनाया और बड़े जोश व उत्साह के साथ नामांकन दाखिल किया, क्योंकि महंत प्रकाश दास की माने तो चुनाव लड़ना जनता का उनके प्रति अपार उत्साह और प्रेम है, तो कहीं ना कहीं जनता से उनका सीधा लगाव है। थानागाजी की जनता के लिए बहुत कुछ करने व जनता के प्रति समर्पण ने उन्होंने निर्दलीय लड़ने का फैसला लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं महंत प्रकाश दास का मानना है कि क्षेत्रवासियों का उन्हें पूरा समर्थन है और वो अच्छे मतों से जीतकर थानागाजी विधायक रूप में थानागाजी की जनता के प्रति समर्पित रहेंगे, क्योंकि थानागाजी क्षेत्र में काफी समय से महंत प्रकाश दास हैं सक्रिय और जनता पर कहीं ना कहीं सीधी पकड़ से थानागाजी विधानसभा में ये मुकाबला काफी रोमांचक हो सकता है। तो थानागाजी विधानसभा क्षेत्र के सर्व समाज की ओर से अब एक प्रतिनिधि मैदान में रह गया। अब सर्व समाज थानागाजी के मान सम्मान के लिए कितना क्या करती है, कितना प्रयास करती है, अब ये चुनाव मेरा नहीं है, ये पूरा चुनाव थानागाजी के सर्व समाज का चुनाव है। दोनों को, दोनों व्यक्तियों से पीड़ित रही है, वर्तमान से पूर्व से, किसी के भ्रष्टाचार से पीड़ित है, किसी के गुंडागर्दी से उससे पीड़ित है। तो अब सर समाज का मान सम्मान दाव पे है। मैं तो बाबा जी हूँ, मेरा कोई मान सम्मान दाव पे नहीं है। अब यहाँ सर समाज में सभी समाज आते हैं। टिकट के बारे में आपने देखा जिस प्रकार से जनता जनार्दन और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बूथ के कार्यकर्ता आज यहाँ विराटनगर पर रामलीला मैदान पर आए और हजारों हजारों की संख्या में आज जनता जनार्दन के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा आशीर्वाद दिया गया। इसके लिए मैं तमाम कार्यकर्ताओं का और जनता जनार्दन का बहुत बहुत आभार करता हूँ। धन्यवाद। अधिकारियों को ऐसे लगाए जैसे कि इनके पर्सनल अधिकारी हो और उन अधिकारियों ने भी बिल्कुल गैर कानूनी, गैर संवैधानिक रूप से यहाँ पर काम करा। जनता के सुख के लिए नहीं, जनता के लिए काम के लिए नहीं, बल्कि एक विधायक के काम के लिए यहाँ पर काम करा गया। इसको बदलना है और राजस्थान के अंदर, जिसमें विराटनगर भी शामिल है, जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का अपराध और जिस तरह से बेरोजगारी फैली है, इसको मिटाना है। एक विधायक ऐसा जो यहाँ की हर व्यक्ति की सेवा करे, चाहे वोट दिया हो या नहीं दिया हो। और यहाँ की सड़कें, केंद्र सरकार यहाँ पे सड़कें बना रही है, यहाँ का विस्तार कर रही है,
लेकिन श्रेय लेने की दौड़ लगी हुई है। पानी घर तक पहुंचाना था, पानी घर तक पहुंचाना था, वो पानी के लिए प्रधानमंत्री जी ने पैसे भी दे दिए, उसके बावजूद भी घोटाले करे। धौलपुर की सियासत में दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र के करीब 200 बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, और जिसमें बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा, पंचायत समिति के वर्तमान प्रधान, प्रतिनिधि, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और कार्यकर्ता शामिल है। पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा के नेतृत्व में सभी लोग आज सोमवार की देर शाम को राजस्थान वित्त आयोग के चेयरमैन प्रद्युम्न सिंह के निवास पर पहुंचे और कांग्रेस में वापस शामिल हो गए। बसेड़ी के पूर्व प्रधान लाखन सिंह खिडोरा ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पिछले 1.5 साल पहले कांग्रेस छोड़ के बीजेपी को ज्वाइन किया था और बाड़ी विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जब उन्हें टिकट नहीं दिया तो वो वापस अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में पुनः शामिल हो गए, जिससे बीजेपी को बड़ा झटका चुनाव के दौरान लगा है। 150 से 200 लोगों के बीच में, अभी राइट फिगर हम आपको दे देंगे प्रेस नोट के थ्रू, 150 से 200 लोगों के बीच में जो कट्टर कांग्रेसी थे, जिनके खून में कांग्रेस का खून चल रहा था, जो 80 कुछ तो ऐसे आदमी है जो 80 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे, 80 से क्रॉस कर चुके हैं, वो काम कर रहे थे, उनने भी वापस कांग्रेस ज्वाइन करी है, तो ये आप समझ सकते थे जो हठमिरदारता से बसेड़ी विधायक काम कर रहे थे, पूरी कांग्रेस को तहस नहस कर दिया था, तो हाईकमान को समझ में आने के बाद, उनकी टिकट काटने के बाद, आज यहाँ खुशी की लहर है और ये लोग वापस बसेड़ी की सीट कांग्रेस की झोली में डालेंगे और तीनों सीटों में जहाँ इनकी रिश्तेदारियां हैं सब जगह काम करके कांग्रेस की तीनों सीटों को जिता के। इधर बीजेपी से बगावत करने के बाद आज पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री यूनुस खान ने निर्दलीय रूप में डीडवाना से अपना नामांकन दाखिल कर दिया और ये पहला मौका है जब यूनुस खान ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन भरा है, और उससे पहले वो डीडवाना विधानसभा से 4 बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें से 2 बार उन्हें जीत मिली थी और पूर्ववर्ती वसुंधरा राजे सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। आपको बता दें कि आज यूनुस खान के आवास पर एक आम सभा का आयोजन हुआ, जिसमें यूनुस खान ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ यूनुस खान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीएम जीतू कुलहरी के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए यूनुस खान ने कहा कि ये चुनाव मैं नहीं लड़ रहा बल्कि डीडवाना की जनता लड़ रही है, मैंने जनता के आदेश पर ही चुनाव लड़ना स्वीकार किया। यूनुस खान ने कहा कि इस बार का चुनाव बेहद खास होगा क्योंकि ये चुनाव भ्रष्टाचार, कुशासन, अनीति और अत्याचार के विरुद्ध होगा। ये चुनाव डीडवाना के मान सम्मान और विकास के लिए लड़ा जाएगा क्योंकि जनता कांग्रेस के कुशासन से तंग आ चुकी है और अब मुक्ति चाहती है। लोकतंत्र में सतत चलने वाली चुनाव की प्रक्रिया में विधानसभा चुनाव 2023 डीडवाना विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आज मैंने नामांकन किया है। जिस तरीके का स्नेह और प्यार और आशीर्वाद स्थानीय मतदाताओं का और विशेष रूप से कहूँगा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक डीडवाना क्षेत्र के लोगों का आज मुझे मिला है, ऐसा प्यार, ऐसा आशीर्वाद, ऐसा स्नेह, ऐसी लगन मुझे उत्साहित भी करती है और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं भूतो न भविष्य। इधर भारतीय जनता पार्टी के हवा महल प्रत्याशी महामंडलेश्वर बालमुकुंद आचार्य ने विधिवत पूजा करके कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे और अपना सहयोग व अपना मत देने का वादा किया। एपीएन से बात करते हुए महामंडलेश्वर ने कहा कि इस बार कमल खिलेगा, डबल इंजन की सरकार आएगी, कमल पर लक्ष्मी विराजमान होती है, लक्ष्मी जी समृद्धि, सुख और शांति का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी कमल के साथ अगले 5 सालों के लिए नहीं बल्कि 500 सालों के लिए समृद्धि ला रही है। उन्होंने कहा कि सनातन सदैव था, सदैव रहेगा और भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के साथ रहकर कार्य करेगी। भारतीय जनता पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ता मिलकर रुके हुए विकास कार्यों को संपूर्ण करेंगे।
डबल इंजन की सरकार बन रही है, कमल का फूल पूरे राजस्थान में खिल रहा है और कमल के फूल पे लक्ष्मी जी विराजमान है। लक्ष्मी समृद्धि है, सुख है, शांति है, ऐश्वर्य है और 5 साल की नहीं, लक्ष्मी जी यहाँ आने वाले 500 साल की समृद्धि ला रही है। ऐतिहासिक रूप में यहाँ कमल खिलेगा और भारी बहुमत से हमारी भाजपा सरकार बनेगी और हम सब भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से इस राजस्थान का जो विकास रूप है उसको काम आगे बढ़ाएंगे। चलिए राजस्थान स्पेशल में मेरे साथ इतना ही, नमस्कार। सर लेकिन अगर आप ऑड इवन लागू करते हैं और ऐप बेस्ड जो गाड़ियां हैं हरियाणा यूपी नंबर्स की, इनकी एंट्री बैन होती है तो दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम्स एग्रेवेट हो जाएंगी फिर? नहीं, दिल्ली वालों के लिए प्रॉब्लम देखिए अभी जो चूंकि ऐप बेस्ड टैक्सी को तो अदर स्टेट से स्टॉप करने का डायरेक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट का है उसको हम लागू कर रहे हैं। अब जहां तक आप बात कर रहे हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं बेसिक पर्पज क्या है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज किया जाए। अभी भी जो हमने बसों की जो फ्रीक्वेंसी है और मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है तो अभी हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है। सर एक जानकारी चाहिए सर कि ट्रैफिक से कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है पोल्यूशन में, सर इसका कुछ डेटा आप लोगों के पास? सर ट्रैफिक से मतलब वाहनों से? जी वाहनों का देखो, वाहनों का तो अलग अलग समय का अलग अलग कंट्रीब्यूशन है। इस समय अगर हम देखें तो जो पहले स्टडीज हुई हैं तो स्टडी वो कहती है कि दिल्ली के अंदर जो पोल्यूशन है उसमें से लगभग 31% जो है वो दिल्ली का कंट्रीब्यूशन है और उसके बाद 69% कंट्रीब्यूशन जो है वो बाहर के सोर्सेज का है, चारों तरफ से आ रहा है। जो दिल्ली का है उसमें जो दिल्ली का है उसमें जो इस समय का जो है जो दिल्ली का पोल्यूशन है उसमें लगभग 30% से 35% तक वाहनों का कंट्रीब्यूशन है। सर पुरानी स्टडी क्या कहती है, कल कोर्ट में भी बात हो रही थी कि ऑडी इवन बहुत प्रभावशाली नहीं है, तो कोर्ट को हम क्या बताने जा रहे हैं कि हम जब पहले 3 बार लगाया है तो इतना फर्क आता है, क्या ऐसा कोई आंकड़ा हमारे पास है? वो मैंने आपको बताया कि 2 स्टडी हुई है ऑड इवन को लेकर के, एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट स्टडी हुई है इसको लेकर के और दूसरा जो है DTU ने, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने भी इस पे स्टडी किया है। उन दोनों स्टडी को हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अच्छा, कोर्ट के सामने रखकर फिर जो कोर्ट कहेगा फिर उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यस सर, आगे पराली को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, आप हरियाणा और यूपी का जिक्र कर रहे हैं तो वहीं पंजाब का भी जिक्र है, पराली को लेकर अभी क्या स्थिति है, क्या आंकड़े आपके पास आ रहे हैं और जो मॉनिटरिंग हो रही है उसमें क्या नजर आ रहा है? देखिए पराली की घटनाएं जहां तक पंजाब के अंदर है, पंजाब में पिछले साल की तुलना में पराली जलने की घटनाएं कम हुई हैं, लेकिन जो पराली अभी भी जल रही है उसको नियंत्रित करने की जरूरत है।